सो आज मैं आपको देने वाला हूँ अपने घर के जिम का टूर। सो आप रेडी हो? सो ये शुरुआत होती है, मेरे बेसमेंट में गए। सो ये मेरा शुरुआत होती है यहाँ पे मेरी ट्रेडमिल की, और यहाँ पे मैंने एक साइकिल भी रखी हुई है, राइट। और यहाँ से हम एंटर होते हैं कहाँ, हमारे जिम में। सो यू फाइंड एवरीथिंग हियर। मैंने सेटअप करा पूरा बिकॉज लॉकडाउन था। ये स्मिथ मशीन है विद वेट्स, और ये मेरा बोर्ड कि मुझे कौन सा वर्कआउट करना है, कैसे करना है। स्विथ मशीन के बाद आपको यहाँ मिलेगा एक मशीन लेग प्रेस की, तो आप ये हटा भी सकते हैं ये वाला, और ये बन जाता है फिर हैक स्क्वाट। तो गाइस ये बहुत हैवी मशीन्स रखी है मैंने, बिकॉज मुझे लाइट वेट्स अच्छे नहीं लगते, लाइट मशीन्स, बिकॉज यू नो मुझे पूरा प्रोफेशनल सेटअप करना था ताकि मेरा टाइम बचे, बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। और उसके बाद ये ओलंपिक बेंच जो आप देख सकते हो, सबसे बड़ी बात इस ओलंपिक बेंच की गैस कि यहाँ पे आप लेट के लेग कर्ल कर सकते हैं, और यहाँ पे बैठ के लेग एक्सटेंशन भी हो सकती है, तो ये जगह काफ़ी बचाता है। प्लस ये बेंच आपका इंक्लाइन भी हो जाता है ऐसे, तो इट्स अ मल्टीपर्पज़ बेंच। तो ये नेरॉड भी रखी हुई है, और ये एरिया सारा वेट्स का है, सब मैथ्स। ये सर आपको यहाँ पे मैंने 400 किलो तक का वेट रखा हुआ है सारे डंबल्स। और ये है हमारी मल्टी स्टेशन, आप ये देखें यहाँ पे, ये लैट पुल डाउन की पूरी मशीन है, बहुत हैवी मशीन है गाइस, आप देखिए बहुत हैवी मशीन्स। तो एक स्टेशन ये लैट पुल डाउन का, ये वाला स्टेशन जो है ये है पेक डेक, आपको पता है बटरफ्लाई भी कहते हैं हम इसको, राइट। और अगर हम इधर थोड़ा घूमें, ये मैंने प्रीचर रखा हुआ है ताकि यू नो मेरे जैसे कहते हैं मेरा बाइसेप मेरा वीक एरिया, तो वो हेल्प करता है मुझे। और प्लस ये जो तीसरा मल्टी वाला है मल्टी स्टेशन का, इससे आप अपनी ट्राइसेप कर सकते हो, ये नीचे भी हो जाता है यहाँ पे, तो उससे आप बाइसेप भी कर सकते हो काफ़ी, जैसे कहते हैं आपको हर जिम में मिलेगा। और जो चौथा मैंने करवाया इसी स्टेशन पे, वो करवाया मैंने एक मल्टीपर्पज़ बेंच। अब इसके कई यूटिलिटीज़ हैं इसके, आप इसके साथ आप इसको ऊपर करके, इस बेंच को ऊपर करके आप शोल्डर कर सकते हो। अभी जैसे मैंने इसको चेस्ट पे रखा हुआ इंक्लाइन पे, तो आप इसको शोल्डर प्रेस हर चीज़ इसके साथ आप कर सकते हो पूरे। इसमें आप देखिएगा ये पूरा हैवी लोडेड वेट है, तो पूरा जैसे कहते हैं घर में आप सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है टाइम कि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो मेरे को जितना हो आई कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये मेरे डंबल्स हैं, ये थोड़ा स्प्रे रखा हुआ मैंने जस्ट इन केस थोड़ा जंग वंग लगे यहाँ पे, तो ये पूरा एक सेटअप। कई मैंने एक्स्ट्रा प्लेट्स भी रखी हुई हैं, और ये रॉड्स जस्ट इन केस कि वेट्स कम पड़ जाए। तो दिस इज़ हाउ माय सेटअप लुक्स लाइक गाइस, आप देखो पूरा, आपको मैं एक डीप डेप्थ व्यू दे रहा हूँ कि, और गाइस अगर आप मुझे इसकी कॉस्ट पूछेंगे, तो इस कॉस्ट ये समवेयर इट कॉस्टेड मी अराउंड 2.5, 2 से 2.5 लाख के बीच में मुझे पूरा सेटअप पड़ा। बट अगेन ये मेरा पर्सनल था सेटअप, आप इसको सस्ते में भी करा सकते हैं अगर आप इसको और ब्रांड कर देंगे, तो ये मतलब अगर आप इसको ब्रांडेड में लेंगे तो ये कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 10 से 12 लाख में। मैंने तो सारा असेंबल करवाया बनवाया, तो इट टुक मी सम टाइम, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली पता था करना क्या है इसमें। प्लस आई हैड लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी हेल्प करी है बनाने के लिए, और ये देख सकते हो आप सारे मिरर्स हैं इस साइड में, लेफ्ट में सारे मिरर्स, और वो आपको ट्रेडमिल भी दिख ही रही है। सो पूरा एक तरीके का घर का सेटअप जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो। एक्स्ट्रा बेंच भी रखा हुआ मैंने, बिकॉज बेंचेस तो जितने उतने अच्छे हैं। और ये आप देखोगे यहाँ पे डेडलिफ्ट की रॉड भी है, ये जो आजकल बहुत हेल्प करती है, मैं जो सिंगल नहीं होती। और ये आप देखेंगे यहाँ पे आप ये ओलंपिक बेंच का, ये स्क्वाट रैक का भी काम करता है अगर मुझे स्मिथ मशीन के साथ नहीं करने। और प्लस आप ये देखिए यहाँ पे आपको पुलअप बार भी मिल जाएंगे, जिससे आप पुलअप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे भगवान जो हमारे हेल्प करते हैं, ऑलवेज देयर विद अस। और ये देख सकते हैं आप पूरा एक सेटअप जो मेरा कंप्लीट है।